हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आज का वक्त थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि हम किस तरह से गणेश उत्सव मनाते हैं। ये ब्लॉग बनाने के पीछे का मेरा रीज़न ये है कि बहुत सारे महाराष्ट्रीयन लोग हैं या नॉन महाराष्ट्रीयन लोग हैं जो गणेश उत्सव मनाना चाहते हैं अपने घर में, जिनको नहीं पता है कि क्या क्या होता है उस फेस्टिवल में, उनके लिए ये ब्लॉग ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप गणेश उत्सव मनाते हो तो आप कुछ ना कुछ इसमें से यूज़फुल आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं भी जब कोई और वीडियोस देखती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीख लेती हूँ। तो आई एम श्योर कि आप ये वीडियो ज़रूर एंजॉय करोगे और आपको ये कहीं ना कहीं यूज़फुल ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फेस्टिवल मेरे घर पर बहुत सालों से मनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कब से हम ये मना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे था 13 सितंबर, यानी लास्ट थर्सडे, जब गणेश जी का आगमन होता है घर पर। बहुत लोग जो है पहले, मतलब उसके वेनसडे को, उसके एक दिन पहले भी गणेश जी की आइडल ला के रखते हैं और फिर थर्सडे को स्थापना करते हैं। हम उसी दिन जाते हैं सुबह, तो हम अराउंड 9 बजे तैयार होके गए थे। नॉर्मली जो मेन होते हैं या जो लड़के बच्चे होते हैं उनको व्हाइट कुर्ता पजामा पहनाया जाता है और गांधी टोपी लगाई जाती है, वो एक प्रॉपर ड्रेस कोड माना जाता है गणेश जी को लाने के लिए। औरतें जो है वो साड़ी सूट कुछ भी अच्छा सा पहन के मेकअप करके तैयार हो जाती है। तो उस दिन हम गए थे अराउंड 9 बजे, फिर 10-10:30 बजे तक हम घर वापस आए थे हमारे ये गणेश जी के आइडल को लेके। गणेश जी के आइडल लाने के लिए हम जब जाते हैं तो क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, तो हम थाली में एक वाइट न्यू हैंकरचिप लेके जाते हैं। न्यू वाइट कलर का सफ़ेद कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो बट वो अनयूज्ड होना चाहिए। कुमकुम लेके जाते हैं, थोड़ा सा राइस जो शुभ माना जाता है वो लेके जाते हैं, और एक पत्ता और सुपारी लेके जाते हैं कुछ इस तरह का, तो हम उसको विड़े का पान बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, तो वो भी रखा जाता है थाली में। गणेश जी को जब लाते हैं तो उनका फेस हमारी फेस की तरफ रखा जाता है और उनका मुंह जो है वो वाइट क्लॉथ से ढका जाता है, इसलिए वो वाइट क्लॉथ का होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम गणेश आइडल को हमारे घर लेके आए थे। उसके बाद 10:30 बजे से लेके अराउंड 1 घंटा हमने गणेश जी की स्थापना की थी। अब जो गणपति की स्थापना होती है वो 2 तरीके की होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो स्थापना करके जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है, भोग होता है, फिर अलग घी का दिया लगाया जाता है, उनको मोदक चढ़ाया जाता है, तो वो सब करते हैं और आरती कर देते हैं, तो नॉर्मल स्थापना करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो पूरा मंत्र बोल के ये सारा प्रोसेस करते हैं, तो वो एक सही तरीका माना जाता है। तो हमारे घर पे हम मंत्र बोल के, हम खुद ही मंत्र बोलते हैं हमारे घर में, मैं बोलती हूँ या मेरे हस्बैंड वो मंत्र कहते हैं, और हम गणेश जी की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, उनकी मूर्ति का शुद्धिकरण होता है, फिर उनको अलग अलग कुमकुम लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है, वो सारे मंत्र होते हैं वो हम बोल के, जो संस्कृत में होते हैं वो मंत्र, वो बोल के हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। उसके बाद में उनका जो फेवरेट नैवेद्य रहता है प्रसाद मोदक, वो हम उनको चढ़ाते हैं और उसके बाद हम उनकी आरती करते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट डे। और उसके बाद में गणेश जी की स्थापना आरती होने के बाद हम उस दिन का लंच करते हैं। तो ये तरीके से हमने हमारे गणेश जी का इस बार का डेकोरेशन और उनका ओवरऑल स्थापना की थी। तो ये था हमारा फर्स्ट डे। फिर अब जब तक गणेश जी है तो सुबह शाम 2 टाइम पे तो आरती होनी ही है घर पर। हमारे गणेश जी जो है वो 11 दिन तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक रहते हैं, तब तक हम सुबह शाम की शाम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद में सेकेंड डे पे कुछ खास नहीं होता है, हमारी गौरी पूजन की तैयारियाँ स्टार्ट होती है, तो उसमें कुछ हम सामान वगैरह उनका निकाल के रखते हैं डेकोरेशन का, या डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा। अब गौरी पूजन जो होता है ये हम लेडीज़ का फेवरेट फंक्शन होता है, ये 3 दिन तक चलता है और हम बहुत एंजॉय करते हैं इस फंक्शन को। तो थर्ड डे आता है जिसमें गौरी का आगमन होता है। अब मैं आपको बता दूं कि गौरी पूजन जो होता है वो अलग रीजन में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ लोग एक गौराई की पूजा करते हैं, तो मतलब उसमें एक ही गौरी आइडल की स्थापना होती है। कुछ लोग 2 गौरी आइडल्स की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग उसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता है, कुछ ना कुछ बेस ज़रूर होगा जो सदियों से चला आ रहा है, जिनके घर में जिस तरह से चला आ रहा है लोग उस तरह से उसकी पूजा करते हैं। मेरे घर में 2 गौरी आइडल्स की पूजा होती है, मेरे मम्मी के घर में भी और मेरे खुद के घर में भी 2 आइडल्स की पूजा होती है, तो हम 2 गौरी की स्थापना करते हैं। तो बेसिकली उस दिन क्या होता है, आंगन में जो तुलसी का पौधा रहता है हमारे, वहाँ पे वो पूजा की जाती है, तो जो गौरी के मुकुट होते हैं उनकी पूजा की जाती है, और वो उनको लेके आते हैं हम, और उनका उनको जहाँ पे स्थापना करना है, जो मंदिर उनके लिए हम डेकोरेट करते हैं वहाँ पे लाके वो रखा जाता है। उसके बाद उनकी आरती होती है गणेश जी के साथ, और फिर
वो पूरा दिन हमारा थर्ड डे जो है उनको हम डेकोरेट करते हैं, साड़ी पहनाते हैं, ज्वेलरी पहनाते हैं और बस उनको ही तैयार करते रहते हैं हम। और फिर हमारी गौरी की स्थापना उस दिन हो जाती है। जो हमारा फोर्थ डे होता है वो हम लेडीज़ का स्पेशल डे होता है, क्योंकि उस दिन हमारा जो होता है हल्दी कुमकुम का फंक्शन रहता है। तो उसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, उस दिन हमारा पूरन पोली का भी प्रसाद बनता है, जो हम गौरी को चढ़ाते हैं प्रसाद। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत सारे फराल आइटम भी बनाते हैं जो कि हम गौरी को चढ़ाते हैं। फिर हमारा जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है उसमें हम मैरिड वुमन को इन्वाइट करते हैं, तो रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स जो भी है मैरिड वुमन को हम इन्वाइट करते हैं, उनके साथ हम हमारा हल्दी कुमकुम शेयर करते हैं। और ये मतलब शाम के 5-6 बजे के बाद स्टार्ट होता है फंक्शन, और फिर वो रात के 12-1 बजे तक चलता है, क्योंकि उस दिन जो औरतें आ रही हैं उनके घर में भी गौरी पूजन होता है, तो वो अपने घर का सब काम ख़त्म करके फिर वो मतलब एक दूसरे के घर जाती है, तो ये लंबा चलता रहता है फंक्शन। तो इसमें हम खुद तैयार होते हैं, अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के, ज्वेलरी पहन के हम खुद बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। हम हमारे आंगन में रंगोली बनाते हैं, गौरी पूजन जहाँ पे हमारा हुआ है वहाँ पे अच्छे से रंगोली बनाते हैं। तो मैं आपको आपके लिए ये फ़ोटो डाल रही हूँ, कुछ इस तरह से पूरा हमने हमारी गौरी को सजाया था, साड़ी ज्वेलरी पहनाई थी और उनका ओवरऑल डेकोरेशन किया था। ये एक टाइप की रंगोली हमने बनाई थी, जो कि इस बार हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि रुद्रांश को भी टाइम देना था हमें, बट हमने जो भी हम कर पाए वो अच्छे से हमने इस बार किया था। आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में गौरी पूजन के जो डेकोरेशन रहते हैं उसके भी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, तो अगर आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो तो आप बहुत कुछ क्रिएटिव करके आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे अच्छे सेटअप किया होता है और उसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये होता है हमारा फोर्थ डे। उसके बाद में जो फिफ्थ डे होता है, उस दिन पर्सनली मैं थोड़ा सा मायूस होती हूँ, क्योंकि उस दिन हमारी गौरी जाने वाली है। मतलब हम 2 दिन बस गौरी की आँखों में देखते रहते हैं, कि एक बहुत ही तेज होता है उनकी आँखों में, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग टाइम होता है जब हम गणपति या गौरी जी की तरफ देखते रहते हैं बस। तो जो 5वां दिन है उस दिन हमारी गौरी पूजन का, गौराई का विसर्जन होता है। तो बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं होता है, इनमें उनका जो यहाँ पे विसर्जन, मतलब हम उनके आइडल का विसर्जन नहीं करते जैसे कि हम गणपति के आइडल का विसर्जन करते हैं। हम बस उनके लिए एक बंच ऑफ वनस्पति होते हैं जिनको ये इम्पोर्टेंस दिया गया, उनकी भी पूजा होती है गौराई के साथ साथ, तो उनका विसर्जन किया जाता है। और गौरी जी का जो मुकुट है, जो उनका फेस है, उनको सिर्फ थोड़ा सा हिलाया जाता है, तो एक रीति रिवाज है ये, एक मतलब ट्रेडिशन है। तो इस तरह से गौरी विसर्जन होता है और फिर वो पूरा सेटअप जो है वो उस दिन हम निकालते हैं। तो ये इस तरह से हमारा होता है गौरी पूजन। उसके बाद में हमारे 11वें दिन विसर्जन करते हैं, तो हमारी गणपति की सुबह शाम आरती चलती ही है रोज़, और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन जो है हमारा गणपति विसर्जन होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया हम शाडुकले की मूर्ति लाते हैं, तो हम विसर्जन जो है घर पे ही करना प्रिफर करते हैं। तो जो भी है हमारा पानी जिसमें भी हमने लिया है, बड़े से मतलब बड़े जो भी हम टब या जिसमें भी लेते हैं पानी, उसको हम साइड में रंगोली वगैरह लगा के, फिर फूल रख के, अच्छे से उनकी आरती करके फिर उनको विसर्जन किया जाता है उनका। तो ये इस तरह से जो है हम हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं। और जब गणपति जाते हैं तो उसके कुछ 1-2 दिन तो हमें मतलब अच्छा नहीं लगता है, कि घर में एक बहुत ही ब्लेसफुल इन्वायरमेंट रहता है और फिर हम थोड़ा सा मिस भी करते हैं गणेश जी को। तो ये हमारा मतलब बचपन से चला आ रहा है, अभी भी हमारा वही फीलिंग है गणेश उत्सव की तरफ। और तो ये बहुत ही टचिंग फेस्टिवल रहता है महाराष्ट्रियंस के लिए। तो इस तरह से हम मनाते हैं गणेश उत्सव। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, और मैंने कोशिश की जितने भी पिक्स मैं डाल सकूँ यहाँ पे मैं डालूँ, जिस तरह से हमने इस बार किया था पूरा प्रिपरेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग कर रहा है गणेश उत्सव मनाना, तो उनके लिए ये यूज़फुल रहेगा। आपके घर में अगर एक गौराई होती है तो वो क्यों होती है, और दो गौराई होती है तो वो क्यों होती है, मुझे सच में नहीं पता है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसके पीछे का सही रीज़न क्या है। एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़फुल टॉपिक्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ममाज़ वर्ल्ड, एंड बाय बाय।